आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 16 फरवरी के शुरुआतान की, जहां परमपिता परमात्मा हमें कोई भी परिस्थिति में हम कैसे साइलेंस की शक्ति को इस्तेमाल करके उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं और विजय पा सकते हैं। उससे सॉल्यूशंस निकल जाएंगे ऑटोमेटिकली और वो प्रॉब्लम्स छोटी होनी शुरू हो जाएंगी। ये हमारे संकल्पों की शक्ति, अंदर की दिव्यता के ऊपर और हमारे ओरिजिनल स्टेज में स्थित होने की शक्ति पर डिपेंडेंट है। तो देखें आज परमपिता परमात्मा हमें क्या समझाते हैं, क्योंकि हर किसी के पास में हर सेकंड हर मिनट कोई ना कोई इशू आ रहा होता है। आपके पास भी होता है, मैं जानता हूं, एंड परमात्मा भी जानते हैं, इसलिए आज ये वरदान हमारे बहुत जरूरी है। तो परमात्मा पिता कहते हैं अपने अनादि स्वरूप। अनादि स्वरूप कौन सा है? हमारा ओरिजिनल पॉइंट ऑफ लाइट। ये शरीर थोड़ा था हमारा अनादि स्वरूप। अनादि स्वरूप मतलब कि बिगनिंग में है। तो इन द बिगनिंग हम कौन थे? हम आत्मा थे, जो हम नीचे आए, फिर हमने शरीर लिया और कर्म करने शुरू करे, और एक के बाद दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, चौथा शरीर, और आज ये शरीर और आपका वो शरीर। तो परमात्मा कहते हैं अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहे कि अगर मैं एक सोल हूं तो मुझे इस सिचुएशन को कैसे देखना चाहिए, अगर एक एनर्जी हूं, एक आत्मा हूं, तो मुझे आत्मिक दृष्टि से कैसे सिचुएशन को देखना चाहिए, कैसे और लोगों को देखना चाहिए, कैसे औरों के व्यवहार को देखना चाहिए, किस तरीके से उनको परखना चाहिए। तो अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहे, सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भवा। एकांत का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही दूर हो जाए, लोगों से भाग जाए दूर, अकेलापन, बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिए और आपने को बस साइलेंस में बैठना है, थोड़ी देर शांति में बैठना है। ये वो टाइम होता है जब आप केओस में होते हैं, चारों तरफ आवाजें और होती है, लेकिन आपके अंदर इतनी शक्ति होती है कि आप ना कानों से सुन रहे होते हैं, ना आप आंखों से कुछ देख रहे होते हैं, आप इंटरनल चले जाते हैं। कभी आपने ऑब्जर्व किया है, कभी आप किसी चीज को या किसी पास्ट एक्सपीरियंस के भावनाओं में जब आप भरे होते हैं, तो उस समय आगे से कोई भी निकल जाए या आवाजें जो आ रही हो, काम कर रहे हो आजू बाजू, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा हो, लेकिन आप इतने खोए होते हैं आपको पता नहीं चलता, वो आवाजें बिल्कुल डल हो जाती। लेकिन जैसे ही आप बिल्कुल वापस आते हो, फिजिकल बॉडी के सेंसेस में आप आते हो, तो आपको आवाजें तेज होनी शुरू होती हैं, आगे से लोग कौन जा रहा, क्या आना। ये है इनर पर्सपेक्टिव और आउटर पर्सपेक्टिव, मतलब कि आप अंदरूनी ताकत को यूज कर रहे हो कि आप शारीरिक ताकत को यूज कर रहे हो। तो ये प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। हम ज्यादातर इन इंद्रियों के द्वारा ही हर चीज के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं सॉल्यूशन है आत्मा के अंदर, जो आपका छठी इंद्री है या सिक्स सेंस है। तो परमात्मा कहते हैं आत्मा का स्वधर्म, हमारा स्व का धर्म क्या है? शांति। सुकर्म, जो हमारे कर्म है वो भी है शांति, औरों को भी शांति देना, अपने आप को शांति। स्वस्वरूप, हमारा अपना स्वरूप भी क्या है? शांति। और स्वदेश भी क्या है? शांति धाम। संगम युग की विशेष शक्ति, जो युग चल रहा है इसमें हमारा परमात्मा के साथ में जो कनेक्शन हो रहा है, हमारा सिक्स सेंस की ताकत बढ़ रही है। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। परम धाम कहें, ब्रह्मलोक कहें उसको, गॉड फादर्स होम कहें या बोर्ड कहें उसको, या आलम अरवाह कहें जो मुस्लिम भाई बहन कहते हैं, या आप उसको निर्वाण धाम कहें जो कि बुद्धिज्म कहा जाता है, जहां पे वाणी नहीं है, तो उसको शांति धाम भी कहते हैं। उसको कहते हैं साइलेंस की दुनिया, जहां पर कोई पांच तत्व नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो हम जितना उस दुनिया में रहें, और प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, एक सेकंड गए ऊपर बैठे पांच सेकंड के लिए परम धाम में और फिर नीचे आ गए, तो ये फिजिकलाइज एक्टिव। अब ये आई को एक्टिव करें, फिर ऊपर गए पांच छह सेकंड के लिए, सिर्फ उस दुनिया को देखा, आगे ब्लर हो गया आपके, बस ये आंखों के सामने सब कुछ ब्लर हो गया, जैसे भी मुझे ब्लर दिख रहा है, आप उस दुनिया में बैठे हो और फिर आप वापस आ गए, आपकी ये फिजिकलाइज एक्टिव होगी। फिर आप ऊपर गए परम धाम में और फिर वहां पे गोल्डन वर्ल्ड में रहे आप, एंड फिर नीचे आ गया। तो ये प्रैक्टिस है। परमात्मा कहते हैं संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है, और ये आप एक चलते फिरते भी कर सकते हैं, किसी से बातें करते भी कर सकते हैं। एक सेकंड में ऊपर गए और वहां पे थोड़ी देर रहे, बातें आप सुन रहे हैं, एंड फिर उससे क्या होगा, इतनी शक्ति आएगी कि जो आपको यूजफुल बातें होंगी, जो हायर प्योरर डिवाइन एनर्जी की बातें होंगी, कभी कभी सॉल्यूशंस भी होते हैं, वो आपको जब आप साइलेंस में होते हो तो आपको वो सुन जाते हैं, और जो वेस्ट बातें होती हैं वो आपको निकल जाती है, आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है, अंदर घुसती नहीं वो बातें, ये ताकत है। और वो चीज आपको दिखती भी नहीं जो व्यर्थ होती है, आपको समर्थ चीजें दिखती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं आपका अनादि लक्षण है, अनादि मीन्स बिगिनिंग का लक्षण है शांति। हमारा ओरिजिनल फॉर्म क्या है? शांति। जब हम शरीर में आते हैं, तेरे मेरे में फंस जाते हैं, तो हम अशांत हो जाते हैं। शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना,
इसी साइलेंस की शक्ति में विश्व की सर्व समस्याओं का हल समाया हुआ है। ओरिजिनल शांति में अगर हम रहते हैं तो हमारे अंदर विजडम आ जाती है और हमें फिर इन इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता बहुत ज्यादा कि ढूंढने क्या है सोल्यूशन, उससे बात करें, इससे ये करें वो करें। परमात्मा कहते हैं कि आपकी छठी इंद्री ही आपको सारे आंसर्स दे देगी। शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण, एकांत मतलब परमात्मा भगवान अल्लाह के अंत में, मतलब उन्हीं के अंत में सब कुछ रहना, उन्हीं के अंदर अंत ढूंढना, उन्हीं के अंदर आदि ढूंढना, बिगिनिंग और एंड उनके अंदर ही ढूंढना, चाहे वो प्रॉब्लम हो, चाहे कोई दिन हो आपका, चाहे सॉल्यूशन हो, चाहे आपके जीवन की कोई भी घड़ी हो, तो उसके अंदर ही परमात्मा या अल्लाह के अंदर या भगवान के अंदर, खुदा के अंदर, वाहेगुरु के अंदर ही अंत ढूंढना। तो एकांतवासी इसको कहते हैं। एकांतवासी यानी कि सारे दरवाजे बंद कर दिए और बैठ गए। शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है, चाहे चारों तरफ हल्ला गुल्ला भी चल रहा हो, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो ऊपर परमधाम में परमात्मा के अल्लाह के नूर में समाई हुई हो। ये प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। 5-5 सेकेंड, 10-10 सेकेंड, 15-15 सेकेंड, 20-20 सेकेंड की प्रैक्टिस करिए। 20 सेकेंड ऊपर जाइए, फिर नीचे आ जाइए, फिर 20 सेकेंड ऊपर जाइए, फिर नीचे आ जाइए, और ये प्रैक्टिस करते रहे बीच बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है ये। एकाग्र रहती है और एकाग्रता से परखने व निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये जब एकाग्र आती है तो फिर हमारे अंदर क्या होता है, परखना, इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, क्या बोलना चाहिए, और उसके बाद में आती है हमारे अंदर निर्णय लेने की शक्ति कि हाँ ये करेंगे आप, ऐसे नहीं करेंगे, ये करा जाएगा, प्राप्त होती है। जो व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज समाधान है। हमारा आपसी व्यवहार औरों के साथ में, और परमार्थ मतलब कि परम पिता परमात्मा के अर्थ जो हम कर्म करते हैं, जिसको हम स्पिरिचुअल कर्म कहते हैं, उसके अर्थ भी ये हेल्प होती है हमें कि करना क्या है, डिसीजन क्या लेना है, व्यवहार में भी क्या डिसीजन लेना है जब हम औरों के संपर्क में आते हैं, जब हम स्पिरिचुअल सेवा में जाते हैं, दूसरी फील्ड होगी, इसमें भी हमें निर्णय क्या लेना है। तो ये सारी चीजें आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ब्रह्म कुमारीज में आकर के और विद्या लेकर के, और ये जो हम मेडिटेशन करते हैं राजयोग विद्या, उसके द्वारा राजयोग ध्यान, वो भी आप सीख सकते हैं, जिससे आपके अंदर की शक्ति बढ़ेगी। ओम शांति के साथ।